मेरी बेटी मुझे गले मिल रही है, मेरे साथ खेल रही है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरे गनमैन राइफल लेके अंदर आ रहा है, मैंने आवाज़ ली, इन्होंने मेरे पे अंदर पिस्टल ताना हुआ था। ये वाला क्लिप जो है वो वायरल करने की कोशिश की है, जिसके अंदर जो है खुर्रम ने जो राइफल जो है वो लोड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्री प्लान एक प्रोपोगंडा जो है वो क्रिएट किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, हर घर में नोक झोंक होती है, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी होता है और ये फितरी अमर है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े की वीडियोस बना देना और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देना और जग हंसाई का सबब बनना, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि घर की बात जो है वो घर में ही रहनी चाहिए, चार दीवारी में ही तनाज़ात को हल कर देना चाहिए। मेरे साथ खुर्रम शबीर अहमद मौजूद हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हैं जिसमें इनकी बेगम ने इसके साथ तनाज़ा था और इस तनाज़े को जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है जग हंसाई का सबब बना है। हम जो है खुर्रम से बात करेंगे और खुर्रम से ही पूछेंगे कि माजरा क्या है। खुर्रम भाई, आपकी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखी जिसमें आपने कलेशनकोप भी पकड़ी हुई है, क्या ये माजरा है? सर अस्सलामु अलैकुम। सर बेसिक मेरा आज आपको इंटरव्यू देने का मकसद भी ये है कि मेरी जो जग रसाई की गई, मेरी इज़्ज़त ख़राब की गई, मैं उसके टोटल प्रूफ आपको दूंगा। मैंने कोई राइफ़ल किसी पे नहीं तानी, यह सिर्फ मेरी इज़्ज़त ख़राब करने, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा कारोबार तबाह करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरी बेसिकली शादी मेरी चचा के साथ, चचा की बेटी के साथ हुई हुई है, और मेरे चचा चची ये सब जो हैं ये सब एक ग्रुप है। ये शादी 2015 में हुई, 9 साल मेरी शादी को हो गए हैं। शादी के 2 माह बाद इन्होंने मुझे ब्लैकमेल थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इवन देन कि मैं अपने घर वालों से लड़ पड़ा, अपने वालिद से लड़ पड़ा, अपनी वालदा से लड़ पड़ा, और इनके पीछे लग के मैं अपना घर छोड़ दिया। मैंने जब घर छोड़ा, मैं घर छोड़ के इनके घर जाकर रहने लग गया। मैं 3-4 साल इनके घर रहा, जब तक मैं इनके साथ चलता रहा तब तक मैं बड़ा इज्जत वाला आदमी था। जब मैंने इनकी मान नहीं छोड़ दी इनके साथ मिलना कि मैं नहीं, तो इन्होंने मेरे खिलाफ़ वीडियोस बनाने लग गए, प्रॉपर गंडा शुरू कर दिया कि इसको बदनाम करें, इसको गंदा करें, ताकि ये जग में ना रह सके, कारोबार ना कर सके। अब जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन मैं अपने घर पर मौजूद नहीं था। मेरे घर में सारे CCTV कैमराज लगे हैं, मेरे पास सारी वीडियोज़ मौजूद हैं मेरे मोबाइल में, अगर चाहें तो आप मेरा DVR की फ्रेंजिक भी करवा सकते हैं। खुर्रम, ये सारी बातें मैंने आपकी दुरुस्त भी होंगी यकीनन, आपने अपनी बेगम साहिबा को ये नहीं कहा कि ये मामला दुरुस्त नहीं है कि वीडियोस बनाना और उस पर सोशल मीडिया पे वायरल कर देना? क्योंकि जब भी जो है मियां बीवी के दरमियान कोई भी क्लैश होता है तो उसका जो हल होता है वो बिलाखिर टेबल होता है, अगर आप अपने तनाज़ात को सारे टेबल पर बैठ के हल करते तो दुरुस्त ना होता? भाईजान, इसमें यही तो बात है कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उन्होंने ये कोई प्रोपेगंडा बनाया नहीं बनाया। अब मैं घर से निकलूँ, मेरे घर पर 4 से 5 मुलाजिम हैं, अभी भी आप एट अ टाइम जाकर चेक कर सकते हो। मैं अपने वालिद साहब से अलहदा घर में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी गेटेड सोसाइटी है, वहाँ से जाकर उनसे वीडियोस निकलवा लें कि मैं घर से कब निकल के गया हूँ, मैं कब आया हूँ। ये मेरे आने से पहले ही घर पे मौजूद थे, असला लेकर आए, इन्होंने बाहर गालियाँ निकाली, जिसके सारे मेरे गवाह शहादती मेरे मोहल्लेदार हैं, आप उनसे जाकर भी पता कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आके, मैं जब घर पहुँचा हूँ, मैं जाके देखा तो इन्होंने सारे सामान शामान पैक करके मेरा घर से जेवर वगैरह पैसे वगैरह सब इन्होंने पहली गाड़ी में रख लिया। उसके बाद जब मैं घर पहुंचूं, मैंने जाके देखा तो आसम भट नामी शख्स, वो ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना मेरा कुछ लगता है, वो मेरे घर पे मौजूद था। वो बंदा शादबाग का रहायशी है, मैं डिफेंस का रहायशी हूँ, वो 27 किलोमीटर की मुसाफत तय करके वहाँ पे आया, इनके बकौल के रिश्तेदारों ने उसको बचाया, हमारी बेटी को बचाया, या मेरी बीवी ने कहा जी कि मुझे रिश्तेदारों ने बचाया। वो रिश्तेदार क्या वहाँ पे मेरे घर में रहते थे? वो तो 27 किलोमीटर दूर है मेरे घर से उनका रास्ता, वो 27 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आए हैं, आगे बैठे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया है, मेरी आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, मैं उस टाइम मुगलपुरा था जब मुझे कॉल आई है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि भाईजान आप घर आ जाएं, मैं घर गया हूँ, घर जाके मैं अपनी बेटी से मिलूँ, मेरे पास वीडियोज़ हैं कि मेरी बेटी मुझे जफियाँ डाल रही है, मुझे हक कर रही है कि मैं जब घर गया हूँ मेरे हाथ में कोई असला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जब मैं अंदर जाके बैठूँ इनसे बादशाह की, मैंने इनसे पूछा कि ये क्या मामला था कि आपने सारे बैग शैग पैक किए हुए हैं, ये क्यों आपने किए हुए हैं? खुर्रम, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, तो आपकी जो बेगम है वो ये दावा करती हैं कि आपने कलेशनकोप तानी और आप ज़बरदस्ती जो है उनकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जबकि जो आपकी बेटी हैं वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, इसमें कितनी सदाकत है? सर इसकी सदाकत तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक वीडियो है, मेरी बेटी मुझे गले मिल रही है, मेरे साथ खेल रही है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
उसके बाद की बात यह कि मैं उसके बाद अंदर अपने ड्राइंग रूम में चला गया हूँ जहाँ पे सब, और मेरी वाइफ बाहर आ गई है। जब मैं अंदर गया हूँ वो बाहर आ गई हैं, ये भी सारे प्रूफ हैं। उसके बाद उन्होंने ये मोबाइल निकालना शुरू कर लिए हैं, जो भी इनका प्रॉपर गंडा जो इन्होंने पहले से प्री प्लानिंग की हुई थी, ये सब ये वीडियोज़ में मेरे पास पड़े हैं। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे पास ये वीडियोज़ और हैं कि राइफ़ल मेरी जो है वो गन मैन के पास बाहर थी, इन्होंने मेरी वाइफ ने राइफ़ल खींची है, मेरी वाइफ राइफ़ल छीन रही है। उसके बाद इन्होंने मेरे पे तशद्दुद भी किए हैं, ये आपको ये पूरी वीडियोस में आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सब ये मेरे गनमैन राइफ़ल लेके अंदर आ रहा है, मैंने आवाज़ लगी, इन्होंने मेरे पे अंदर पिस्टल ताना हुआ था। अच्छा खुरम, आपने अपनी ये राइफ़ल छीन रही है। अच्छा आपने ये राइफ़ल छीन रही है, और ये आसिम भट्ट पीछे आएगा, इसके हाथ में पिस्टल भी नज़र आ रहा है, इसके हाथ में पिस्टल आपको देख सकते हैं, ये अपनी वाइफ को पिस्टल पकड़ाएगा। आसिम नामी शख्स जो है, इसने अपनी वाइफ को पिस्टल पकड़ा दिया है। उसके बाद ये मेरे हाथापाई करने लगे हैं, ये सब कुछ इन्होंने उसके बाद किया। उसकी ये अगली वीडियो ये है कि ये देखें, ये मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि ये मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं, आसिम शख्स, आसिम भट्ट नामी शख्स और इसकी बीवी नबीला, ये सब मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं। अच्छा, और उल्टा। अच्छा खुरम, ये सारा देख लिया, तो किस्सा है मुख्तसर, आपने पुलिस के पास नहीं गए, आपने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, और आपने ये नहीं कहा कि अपने वालिद साहब को, ये नहीं कहा कि सारे इस मामले को हल करें ताकि ये क्लैश की जानिब मजीद ना बढ़े? सर मैं आपको इसमें थोड़ा ब्रीफ करूँगा कि इन्होंने वहाँ पर मेरे घर भी 15 पे कॉल दी है। 15 की कॉल पर चौकी इंचार्ज आदिल साहब मेरे घर आए हैं, उन्होंने आके सारा मामला सुना है। सुनने के बाद उन्होंने वहाँ बैठ के मुझे कहा कि खुरम आप अपनी बेटी को इनके साथ जाने दें। मैंने आदिल साहब के कहने पे अपनी बेटी को भेज दिया। उसके बाद इन्होंने मेरी सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीरें वीडियोज़ वायरल की। उसका प्रूफ ये कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। ये मेरी FIR की कॉपी है कि FIR मुझ पर हुई। उसके बाद अरेस्ट के बाद जब मैं अगले दिन बेल के लिए अप्लाई किया तो वहाँ के जाके जज साहब को साहब बताया, जज साहब ने यह पर्चा खारिज कर दिया। उसका खारिजनामा ये है, मेरे पास राइफ़ल का लाइसेंस था, मेरे पास हर चीज़ पड़ी, मेरे घर पे हर बंदे, अब मेरे घर पे चोर डाकू आ गए या कोई आए तो बंदा अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता, डिफेंस भी नहीं कर सकता। हमारे साथ खुरम के वकील भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, मामूली तनाज़ा है मियाँ बीवी का, घर घर में इस तरह के वाकयात होते हैं, आप माशाल्लाह वकील हैं और जो है एक अहम शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या नहीं समझते कि इनका क्लैश ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि खुरम जो है अपनी जिस तरीके से खूबसूरत लाइफ पहले गुजार रहा था दोबारा उस लाइफ की जाने बढ़े? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बात है कि एक फैमिली डिस्प्यूट को जो है हम लोग जो है सोशल मीडिया पे जो है उसकी बदनामी की जाए, अपने ही फैमिली मेंबर्स की, अपने ही हस्बैंड की या वाइफ की बदनामी करते हैं, इससे बेहतर है कि हम लोग जो है ना इसी जो फैमिली इश्यूज हैं इसको हम घर में अंदर ही बैठ के जो है इसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि जो है हमारे जग हंसाई भी ना हो पूरे माशरे में, और जो है बात जो है एक मियाँ बीवी के दरमियान जो है या फैमिलीज़ के दरमियान है वो फैमिलीज़ के अंदर ही ख़त्म हो जाए, ताकि जो है इस तरह के मसाइल पैदा ना हों। ये जो खुरम ने भी ये दावा किया कि इसकी जो वीडियो बनाई गई है और वीडियो एडिट की गई है, तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो है दो तरफा लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर जो है अपनी पसंद का जो क्लिप होता है वो काट देते हैं, जबकि दूसरे का सोशल मीडिया पर डाल के जग हंसाई करते हैं, तो क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद मामलात नहीं बिगड़ रहे और इनका जो मामला है क्या इससे मज़ीद ख़राब नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो मामला है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, जिस तरह खुरम भाई ने अभी भी बताया है कि जो हमारे पास है सारी CCTV जो भी हैं फुटेजेस वगैरह वो हमारे पास मौजूद हैं। वो सिर्फ जो है एक प्री प्लान्ड जो भी है सारा मामला था, उन्होंने एक सिनेरियो सा क्रिएट किया है, और जो ये आसिम भट्ट नामी जो शख्स है ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, इसका जो अगर रिकॉर्ड निकलवाया जाए तो उसमें भी जो है वो देखा जाए तो ये 489F में बहुत मुकदमात में जो है ये नामजद मुलजम भी है। तो अगर तो आसिम भट्ट जो है वो अगर तो कोई इनका कोई रिश्तेदार होता तो फिर तो बात समझ में भी आती है कि वो इनके घर भी आ रहा है, ना तो इनका कोई रिश्तेदार है ना कुछ है, तो वो जो है वो इनके घर आ रहा है, वो पिस्टल भी तान रहा है, और जबकि उन्होंने सिर्फ ये वाला क्लिप जो है वो वायरल करने की कोशिश की है जिसके अंदर जो है खुरम ने जो राइफ़ल जो है कि वो लोड कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करना चाहिए उनको, क्योंकि ये सारा प्री प्लान्ड एक प्रोपोगंडा जो है वो क्रिएट किया गया है ताकि जो है खुरम को जो है वो बदनाम किया जाए, जिस तरह खुरम ने बताया कि ये एक बिजनेसमैन शख्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये चीज़ होनी चाहिए मुआशरे में, इस चीज़ को देखते हुए जिस तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जो वीडियो है इतनी वायरल कर दी गई है कि इसके ऊपर दूसरे जो कपल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है, और हमारे मुआशरे में जो न्यूली कपल्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट ये चीज़ आती है कि जी जो भी चीज़, मैं ये समझता हूँ कि
कि मियाँ बीवी का एक बहुत मोहब्बत भरा और वकार वाला रिश्ता, एक रिश्ता होता है जो कि आपस में एमिकेबली बैठ के हमें हल कर लेना चाहिए। हमारे बड़े जो हैं उनके अंदर इतनी की कुव्वत होनी चाहिए कि वो जो घरेलू मामलात होते हैं उनको वो सेटल डाउन करें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि मियाँ बीवी के जो तनाज़ात हैं वो घर में टेबल पर बैठ के हल करने चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस लड़ाई को, इस जंग को बना दिया जाए और ऐसी वीडियोज़ वायरल कर दी जाएँ जिससे ये तनाज़ात मज़ीद जो है इसको आग लगे। खुर्रम की भी ये एक ऐसी कहानी है जो हमने सोशल मीडिया पर देखी और सोशल मीडिया पर हमने इनकी वीडियोज़ देख के इनसे रब्ता किया और हम इन तक पहुँचे और हमने आपको ये बताने की, सच बताने की कोशिश की कि इसके पीछे हकाई क्या है। दुआ है कि इस खुर्रम का अपनी बेगम के साथ जो तनाज़ा हल हो और जो है ये खुश खुर्रम तरीके से अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारें जैसे ये पहले गुजार रहे थे। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।